देखें ठोस रसायन विज्ञान एनसीईआरटी बुक के अनुसार क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 ठोस दूसरा भाग ये है, भाग दो में हम देख रहे हैं। अभी तक क्रिस्टल अक्रिस्टल के विषय में हमने देखा, क्रिस्टल अक्रिस्टल के भाग ध्रुवी अध्रुवी आयनी धात्विक ठोस सहसंयोजक आदि देखा। अब प्रश्न आता है चुंबक। चुंबक तो चुंबक में देखा गया कुछ ऐसे तत्व हैं जो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षण और प्रतिकर्षण करते हैं। आकर्षण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपने तरफ आकर्षित करती है उसे आकर्षण कहते हैं। अब जो जब कोई वस्तु किसी पदार्थ को किसी वस्तु को विपरीत दिशा में विक्षेपित करती है उसे हम जो है प्रतिकर्षण कहते हैं। इस अब यह जो चुंबक प्रश्न आता है ठोस में, तो चुंबक कई प्रकार के होते हैं। ये निम्नतः पांच प्रकार के चुंबकत्व हैं, जिसमें नंबर 1 आपका आता है अन चुंबकत्व। आइए हम अन चुंबकत्व के विषय में जानें। ऐसे दुर्बल पदार्थ जो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं चुंबकीय दिशा में आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में आते हैं, ऐसे पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय दिशा में आकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से होते हैं, यह नहीं विशेष रूप से, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उसे अनुचुंबकत्व कहते हैं। अब अनुचुंबकत्व में देखा जाए आपका O2 है, Cu2+ आयन धनायन है, फेरस है, Fe2+ है, फेरस Cr है, 3+ है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन उदासीन उपस्थिति में अन्य पदार्थ आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ जो है ये समस्त अनुचुंबकीय आते हैं, अर्थात यह कह सकते हैं कि दुर्बल रूप से आकर्षित हुए पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जिसमें चुंबकीय दिशा में आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी आना चुंबकत्व खो देते हैं, ऐसे पदार्थ जो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा आता है इसका दूसरा पॉइंट है प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित पदार्थ, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से जो आकर्षित होते हैं उसे हम प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। जैसे NaCl। दूसरा आपके C6H6, H2O, यह पदार्थ ऐसे हैं जो प्रतिचुंबकत्व है, चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ को हम प्रतिचुंबकत्व कहते हैं, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। तीसरा आता है इसका लौह चुंबकत्व।
लौ चुंबकत्व। लौ चुंबकत्व क्या है? लौ चुंबकत्व में आने वाले पदार्थ बहुत कम आकर्षित होते हैं, बहुत प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। जैसे आपका लोहा, कोबाल्ट, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, निकिल, सियारो इत्यादि इत्यादि पदार्थ जो है लौ चुंबकत्व कहलाते हैं। यह जो बहुत प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं जिसे हम लौ चुंबकत्व कहते हैं। अगला इसका है चौथा, प्रति लौह चुंबकी। प्रति लौह चुंबकत्व, प्रति लौह चुंबकत्व डोमेन संरचना में एक दूसरे के विपरीत अधिक आकर्षित होने वाले पदार्थ प्रतिलौह चुंबकी कहलाते हैं। डोमेन संरचना एक दूसरे के विपरीत अधिक आकर्षित होने वाले पदार्थ को प्रतिलौह चुंबकी कहते हैं। जैसे इसमें याम एन ओ होता है, मैग्नीशियम परमैग्नेट, यह जो है डोमेन क्षेत्र में अधिक रूप से आकर्षित होते हैं। पांचवा है आपका फेरी चुंबकत्व। फेरी चुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व ऐसे पदार्थ जब पदार्थ डोमेन में डोमेन के चुंबकीय अणुओं का संरचना समांतर प्रति समांतर दिशाओं में असमान होते हैं तथा गर्म करने पर चुंबकत्व खो देते हैं, ऐसे पदार्थ फेरी चुंबकत्व कहते हैं। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ प्राकृत में ऐसे हैं जिसे गर्म कर देने पर वह अपनी चुंबकत्व गुण खो देते हैं और साथ साथ आघूर्णों के आधार पर संरचना और समांतर प्रति समांतर दिशाओं में गतिशील रहते हैं, ऐसे चुंबकत्व को फेरी चुंबकत्व कहते हैं। जैसे में आपका एमसी, एफई, ओटू, फोर, जेडियन, एफई, आपका एफई टू, इसके बाद आपका एफ ई फेरस ऑक्साइड। ये ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकत्व गुण को खत्म कर देते हैं, यानी इसकी धात्वरता खत्म हो जाती है। यही जो है फेरिक चुंबकत्व है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो डोमेन के चुंबकीय आघूर्णों का संरचना समांतर प्रति समांतर दिशाओं में असमान होते हैं, गर्म करने पर अपना चुंबकत्व खो देते हैं, ऐसे पदार्थ को फेरी चुंबकत्व कहते हैं। तो यह ठोस भाग दो यहीं पर समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे विलयन। विलयन